हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक और हाइस्ट मूवी द इंटरप्टमेंट को, जो 1999 में आई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया है क्योंकि इस मूवी ने $212 मिलियन की कमाई की थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरह। मूवी की शुरुआत में हमें न्यूयॉर्क शहर की बिल्डिंग्स दिखाई जाती है। फिर एक बिल्डिंग पर हम एक आदमी को देखते हैं, वो उस बिल्डिंग पर कोई डिवाइस लगाता है, साथ ही वहाँ एक और डिवाइस इंस्टॉल करता है जिसकी रस्सी उससे बंधी हुई थी। अब वो अपने हेलमेट का नाइट विजन ऑन करके बिल्डिंग से कूद जाता है। अब वो डिवाइस उसे ठीक उस फ्लोर पर रोकता है जहाँ उसे जाना था। अब वो आदमी उस खिड़की के बोल्ट को खोलता है और उनकी जगह एक रॉड और कोई डिवाइस लगा देता है। ऐसे ही एक एक करके वो खिड़की के चारों बोल्ट खोलता है और एंड में वो खिड़की बिना गिरे आसानी से बाहर आ जाती है। अब वो खिड़की से अपना हाथ अंदर डालकर रिमोट से उस कमरे के थर्मल डिवाइस को बंद करता है, फिर अंदर आता है, लेकिन दूसरी बिल्डिंग से किसी ने उस पर नजर रखी थी। अब वो आदमी उस ऑफिस में लगी एक पेंटिंग के पीछे कैमरा वाली सीजर से उसमें लगे अलार्म के वायर को काटता है और इस तरह बड़ी आसानी से वो उस पेंटिंग को चुरा लेता है। लेकिन वो उस पेंटिंग को अपने साथ नहीं ले जाता बल्कि कुआलालंपुर मलेशिया में किसी को मेल कर देता है, फिर बाहर आकर रिमोट की मदद से थर्मल डिवाइस को ऑन कर देता है। अभी तक हमें उस चोर और उस पर नजर रखने वाले आदमी का चेहरा दिखाया नहीं जाता। फिर हम कुआलालंपुर मलेशिया में एक आदमी को देखते हैं, वो उसी चोर से बात कर रहा था जिसने वो पेंटिंग चुराई है। दरअसल उस चोर को कोई डिवाइस और गॉगल चाहिए जो इस आदमी के पास है, उसे और $40 मिलियन चाहिए। उस पेंटिंग से इसकी पेमेंट नहीं होगी। अब ये आदमी उस चोर को जल्दी से पैसों का इंतजाम करने कहता है। अब उसी दिन वेवरली इंश्योरेंस कंपनी में हेक्टर नाम का आदमी वर्जीनिया, मतलब जिन से आकर मिलता है, जिन इसी केस पर काम कर रही थी, उसने समझ लिया था चोर खिड़की से ही आया था। लेकिन हेक्टर को यकीन नहीं होता क्योंकि वो 70 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसमें स्मार्ट ग्लास लगे हुए है। तब जिन उसे मॉनिटर में दिखाती है उसने टेलीस्कोपिंग बोल्ट से उस खिड़की को खोला था, लेकिन ये जिन को कैसे पता चला। तब वो दिखाती है उस ऑफिस में चोर ने खिड़की के सामने फूल रखे जो सामने की तरफ झुके हुए थे। ऐसा कुछ देशों में लोग तब करते हैं जब उनके घर गेस्ट आते हैं, मतलब चोर भी खिड़की से ही आया था। फिर वो हेक्टर को उस पेंटिंग के ऑक्शन की फुटेज दिखाती है जहाँ से बायर ने उस पेंटिंग को खरीदा था। उस नीलामी में एक मशहूर चोर मैग भी मौजूद था जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन हेक्टर को ऐसा नहीं लगता। दरअसल पिछले 5 सालों से जिन मैग के केसेस देख रही है और अब मैग 60 साल का हो चुका है, साथ ही वो काफी अमीर है, उसे पेंटिंग चुराने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जिन को पूरा यकीन था ये चोरी मैग ने ही की है, लेकिन हेक्टर को ऐसा नहीं लगता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। अब देर रात तक जिन ऑफिस में मैग के बारे में पढ़ रही थी, तभी वहां हेक्टर आता है, उसके पास मैग की फाइल थी। दरअसल उसने पता लगवाया है कल मैग लंदन जा रहा है। हेक्टर अपने किसी एजेंट को उसके पीछे भेजना चाहता था, लेकिन जिन को मैक के पीछे जाना है। पिछली बार हेक्टर ने मैक के पीछे 2 एजेंट भेजे थे, लेकिन वो दोनों एजेंट गायब हो गए, मगर जिन कहती है वो दोनों एजेंट आदमी थे। यहाँ तक कि उसने कैलकुलेशन लगाया था कि मैक अब एक चाइनीज मास्क चुराने वाला है जिसका लंदन में एग्जीबिशन है। तब हेक्टर मान जाता है और जिन को अपनी गन देता है। फिर हमें लंदन दिखाया जाता है, मैक अपने होटल से कहीं जा रहा था, लेकिन जिन ने उस पर नजर रखी थी। वो मैक का पीछा करती है, मैक किसी बिल्डिंग के सामने आता है, फिर उसके अंदर चला जाता है। जिन अपने दूरबीन से मैक को अंदर जाते हुए देखती है। वो बिल्डिंग क्रिप्टोनिक टेक्नोलॉजीज नाम की कोई कंपनी की थी। अब जिन काफी देर तक मैक का बाहर इंतजार करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उस बिल्डिंग का सायरन बजने लगता है और मैक आराम से बाहर आ रहा था। जिन देखती है मैक बाहर निकलकर आराम से चला जाता है। वो अपने होटल वापस आती है, लेकिन उसका सारा सामान चोरी हो गया था, फिर भी वो कोई कंप्लेन नहीं करती। अब रात में वो गन के साथ सोई थी, तभी किसी आवाज से उसकी नींद खुलती है, लेकिन अब उसके सिराने गन नहीं थी और उसके ठीक सामने मैक बैठा था। दरअसल उसे पता है जिन उसका पीछा कर रही है। वो इनडायरेक्टली कहती है उसे पता है न्यूयॉर्क की उस पेंटिंग को मैक नहीं चुराया है और उसके पास एक ऑफर है। मैक समझ जाता है जिन उस चाइनीज मास्क की बात कर रही है जिसकी मैगजीन उसके रूम में रखी है। वो मास्क किसी पैलेस में रखा है जिनके पास उस पैलेस के सिक्योरिटी कोड की है, लेकिन उसे अंदर और फिर बाहर आने मैक की मदद चाहिए। उसके पास पहले से उस मास्क का बायर है जो मास्क को $40 मिलियन
में खरीदने तैयार है। मैक को जिन पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो कहती है उन दोनों को ही मास्क चुराना है तो क्यों ना साथ में चुराए। लेकिन मैक को पहले जिन का टेस्ट लेना था, इसीलिए वो कल सुबह 9 बजे उसे होटल के बाहर बुलाता है। वो कभी लेट नहीं होता, वो कहता है अगर वो लेट हुआ तो समझ लेना मर चुका है। फिर वो अंधेरे में चला जाता है, जिन तुरंत लाइट ऑन करती है लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन मैक उसे एक एंटिक शॉप के पास लेकर आता है। अंदर उसे एक वास लेना है जिसकी कीमत 2 लाख पाउंड है। मैक उसे क्रेडिट कार्ड देता है। अब जिन का टास्क है उस वास को फ्री में लेकर आना, मतलब उसे वास चुराना है। जिन अंदर जाती है, वहाँ एक आदमी था। वो कहती है उसे मैक ने भेजा है और उसे वो वास चाहिए। वो आदमी वास दिखाता है और उससे पैसे मांगता है। जिन उसे क्रेडिट कार्ड देती है, लेकिन ये देखकर वो आदमी चिढ़ जाता है और उसके गले पर चाकू लगाकर उसे वास अंदर से दिखाता है। अब मौका मिलते ही जिन वास को उस आदमी के सिर पर मार देती है। दरअसल उस वास के अंदर एक छोटा बॉक्स था। वो तुरंत बाहर आकर मैक को सब बताती है, लेकिन तब दूसरा आदमी उन पर हमला कर देता है। दोनों वहाँ से भागते हैं। वो आदमी बाहर निकल कर उन पर शूट भी करता है, लेकिन दोनों निकल जाते हैं। मैक जिन को डांट रहा था क्योंकि उसने सारा प्लान खराब कर दिया, लेकिन वो दिखाती है उसने वो बॉक्स ला लिया है। अब वो मैक से पूछती है इस बॉक्स में क्या है। मैक के ना बताने पर उसे बाहर फेंकने की धमकी देती है। तब मैक बताता है इसमें उस प्लेस के फ्लोर प्लान और सिक्योरिटी सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन है जहाँ वो चाइनीज मास्क रखा है। अब वो दोनों एक बिल्डिंग के बाहर आते हैं। जिन कहती है उसने इतनी अच्छी कार खराब कर दी। मैक कहता है अच्छा हुआ ये उसकी कार नहीं है बल्कि चोरी की है। फिर वो जिन को उसका बैग देता है जिसमें उसके कुछ कपड़े है, मतलब उसका सामान मैक ने ही चुराया था। फिर वो दोनों उस बिल्डिंग के छत पर आते हैं जहाँ मैक का चॉपर रखा था। साथ ही वो बताता है कल क्रिप्टोनिक टेक्नोलॉजीज में 4 सुपर चिप चोरी हुई है। एक चिप की कीमत $5 मिलियन है। उनमें से एक चिप जिन के बैग में है और वो बैग उसके होटल में रखा है। साथ ही उसके पास जिन की फोटो है जिसमें वो अपनी कार से क्रिप्टोनिक टेक्नोलॉजीज की बिल्डिंग को देख रही थी। मतलब मैक चाहे तो कभी भी उसे फंसा सकता है। ये एक तरह की ब्लैकमेलिंग थी ताकि वो कभी मैक को धोखा ना दे पाए। अब मैक उसे चॉपर से कहीं लेकर जाता है। कुछ समय बाद दोनों किसी आइलैंड पर पहुंचते हैं जहां मैक का खुद का मेंशन था, जिनको वो मेंशन बहुत पसंद आता है। मेंशन में बहुत सारे आर्ट पीसेस रखे हुए थे जो मैक ने चुराए हैं। फिर मैक जिन को उसका रूम दिखाता है और उसे कुछ देर आराम करने बोलता है। यहां जिन उसे अपनी अदाओं से सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक उसे अपना रूल बताता है कि दो चोरों के बीच कभी कुछ पर्सनल नहीं होना चाहिए। वो अपना काम करेगी और मैक अपना, क्योंकि उनके बीच कोई रिश्ता हुआ तो वो दोनों पकड़े जा सकते हैं और पकड़े गए तो मारे गए। फिर मैक गुड नाइट बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन मैक उसे उस मेंशन का मैप दिखा रहा था जहां वो मास्क रखा है। दरअसल वहां के राजा ने अपनी मिस्ट्रेस के लिए एक टनल बनवाई थी, लेकिन 100 साल बाद वो लेक के पानी में डूब गई। मतलब उन्हें पानी के अंदर से जाना होगा, लेकिन मैक कहता है वो अकेला ही जाकर मास्क चुराएगा। जिन उसे सिक्योरिटी कोड देगी और वो उसे उसका 10% देगा, लेकिन जिन नहीं मानती क्योंकि उसे भी मैक के साथ जाना था क्योंकि वो भी एक चोर है। लेकिन मैक नहीं मानता। तब जिन बताती है उसने ही न्यूयॉर्क में उस पेंटिंग को चुराया था। मैक को पहले यकीन नहीं होता। तब जिन बताती है वो छत से नीचे गई, लेकिन मैक कहता है उस चोरी को करने उसे क्लाइंबर होना चाहिए। जिन कहती है वो क्लाइंबर है। जैसे ही मैक वापस आता है जिन ऊपर एक पोल पर चढ़ गई थी। मैक पूछता है फिर उसने पेंटिंग का क्या किया। तब जिन उस पोल पर करतब करते हुए बताती है उसने पेंटिंग को मेल कर दिया जो सबसे आसान और सेफ रास्ता था। यहाँ हमें समझ में आता है जिन बिल्कुल सच बोल रही है, मतलब उसने ही पेंटिंग चुराई थी क्योंकि चोर ने उस पेंटिंग को मेल किया है ये किसी को नहीं पता था। लेकिन तब मैक उसे वो पेंटिंग दिखाता है क्योंकि वो पेंटिंग अब मैक के पास है। ये देखकर जिन एकदम शॉक थी। तब मैक बताता है उसने इस पेंटिंग को इतने टॉप फ्लोर से चुराया और उसने बस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के मेल रूम में चोरी की। इसका मतलब जो आदमी पेंटिंग चुराते हुए चोर को देख रहा था वो मैक ही था। जिन पूछती है उसे कैसे पता था पेंटिंग उसी ने चुराई है या वो पेंटिंग चोरी होने वाली है। मैक बताता है ऐसे कुछ ही लोग है जो वो इक्विपमेंट बनाते हैं जिनका उसने यूज किया था और मैक उन सभी को जानता है। अब उस मेल पर कुआलालंपुर के किसी आदमी का एड्रेस था। मैक पूछता है वो उसे इस पेंटिंग के बदले क्या देने वाला है। दरअसल वो जिन को इस पेंटिंग के बदले कोई खास चीज देने वाला है, लेकिन मैक को समझ नहीं आता मलेशिया में वो क्या चुराएगी। तब जिन बताती है $100 मिलियन। मैक पूछता है काम क्या है, लेकिन जिन उसे उसका ही डायलॉग मारती है कि पहले वो साथ में काम करेंगे फिर एक दूसरे पर यकीन करेंगे। अब अगले दिन एरोन नाम का आदमी मैक के पास आता है। एरोन मैक के लिए चोरी के टूल्स का इंतजाम करता था। वो कुछ टूल्स कम लाया था, लेकिन मैक को उनसे ही काम चलाना पड़ेगा क्योंकि एरोन को यही सब मिला है। उसे जिन के बारे में भी पता है। मैक दिखाता है जिन स्विमिंग प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि मैक ने उसे प्रैक्टिस करने बोला है। साथ ही बताता है जिन के पास एक बहुत बड़ा काम है। मैक एरोन को जिन के लिए एक ड्रेस लाने भी कहता है। फिर जिन एरोन को जाते हुए देखती है। अंदर आने पर वहाँ मैक नहीं था।
तब जीन उसके ड्रॉअर में कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मैक आ जाता है। मैक उसे टूल्स बताता है, लेकिन ये नहीं बताता ये उसे किसने लाकर दिए। अब दोनों हॉल में सेटअप लगाते हैं और उसमें लाल रस्सी बांधते हैं। मैक के पास लंबा सा एक एक्सप्लोजिव था, उसे ब्लास्ट करने पर वो पत्थर को काट देता है, लेकिन अभी भी उसकी आवाज बहुत ज्यादा थी। फिर वो लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और 3 सेकंड में ब्लास्ट की प्रैक्टिस करते हैं। अब एक हॉल में नकली मास्क रखकर उन्होंने मास्क की चारों तरफ घंटी के साथ रस्सी बांध दी थी। दरअसल उस मास्क की चारों तरफ लेजर्स लगी है और जीन को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करते हुए उन लेजर्स को पार करना है। उसे लेजर्स दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैक स्क्रीन में उन लेजर्स को देख पाएगा, इसीलिए वो उसे अगले मूव के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहा था। उनके पास सिर्फ 3 मिनट होंगे, 3 मिनट में ही गार्ड वहाँ आ जाएगा। लेकिन हर बार जीन लेजर से टकरा रही थी और मैक उस पर चिल्ला रहा था। उन्हें उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म के नीचे एक बलून फुलाना था, लेकिन वो 1 सेकंड में नहीं खुलता। अब कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद जीन उसे कंप्यूटर में उस हॉल का मैप दिखाती है जहां वो मास्क रखा है और उसकी चारों तरफ लेजर्स लगी है। जीन कहती है उसने उन लेजर्स को याद कर लिया है, अब वो लेजर्स को आंखें बंद करके भी पार कर सकती है। अगले दिन मैक सच में उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और जीन लेजर्स को पार करने लगती है, लेकिन इस समय मैक उसे देखकर अट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन जीन बिना देखे ही लेजर्स को आसानी से पार कर रही थी और 3 मिनट के अंदर ही जीन लेजर्स को आसानी से पार करके मास्क को उठा लेती है। वो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मैक खुश नहीं होता क्योंकि मास्क उठाते समय जीन उसके पीछे लगे प्रेशर स्विच को भूल गई थी। लेकिन यहाँ दोनों में बहस हो जाती है क्योंकि मैक कभी उसके काम से खुश नहीं होता। मैक के जाने के बाद जीन रो भी देती है। बाद में मैक उसे एक ड्रेस ला कर देता है, जिनको वो ड्रेस बहुत पसंद आती है। उसे भी मैक को कुछ देना था, इसीलिए उसके लिए गिफ्ट लाने जीन बाहर जाती है। मेंशन से कुछ दूरी पर एक फोन बूथ था, जीन वहां से हेक्टर को कॉल करती है। वो हेक्टर को बताती है मैक के पास वो पेंटिंग भी है, लेकिन वो उसके साथ एक और चोरी करने वाली है। तब हेक्टर उसे रंगे हाथ पकड़ सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि वो अगली चोरी कहां करने वाले है। लेकिन उसे पता नहीं था मैक उनकी बातें सुन रहा है। अब रात में जीन मैक के लिए गिफ्ट लेकर आती है, लेकिन मैक छत पर था। यहाँ लगता है मैक उसे मार ही देगा, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं करता। अब 2 घंटों बाद उन्हें किसी पार्टी में जाना था। जीन तैयार होकर नीचे आती है, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जीन उससे बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन मैक कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। अब वो दोनों उसी मेंशन की पार्टी में आते हैं जहां उस मास्क का एग्जीबिशन है। उसके सामने ही एक लेक थी जिस पर पुल बना हुआ था। दोनों उस पार्टी में थे, वहां एरोन भी मौजूद था। अब 10:30 बजते ही दोनों अपनी घड़ी मिलाते हैं। फिर दोनों उस मास्क के पास आते हैं। सब लोग उस मास्क को देख रहे थे, लेकिन मैक और जीन अपने कदम गिनते हुए मास्क के सामने रखे किसी दूसरे आर्ट पीस के पास आते हैं। फिर बहाना बनाकर मैक जमीन पर कोई डिवाइस लगा देता है। अब 11:30 बजे तक पार्टी खत्म हो चुकी थी और सभी गेस्ट जा चुके थे, लेकिन जीन और मैक उस लेक में थे। दोनों उस पुल के नीचे आते हैं। पानी के अंदर उन्हें एक खिड़की जैसा कुछ मिलता है। मैक उसकी रॉड को काटता है। फिर दोनों उस टनल से अंदर जाते हैं। उस टनल से दोनों मेंशन के ठीक नीचे पहुंचते हैं। मैक ने मास्क के पास एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, उसके जरिए दोनों उस फ्लोर के ठीक नीचे पहुंचते हैं जहां मास्क रखा है। अब मैक वहां का मेजरमेंट लेता है और उसके चारों तरफ एक्सप्लोजिव लगाता है। अब 12 बजने में कुछ ही सेकंड्स बाकी थे। जैसे ही 12 बजते हैं उस मेंशन की घड़ी आवाज करती है। उस घड़ी के हर घंटे के साथ वो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट करते हैं, जिससे वहां के गार्ड को कुछ सुनाई नहीं देता। उसके बाद दोनों बलून फुलाते हैं और उस फ्लोर के टुकड़े को निकालते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा फ्लोर बाकी था। मैक किसी मशीन से उस फ्लोर को हिट करता है और वॉच के आखिरी घंटे के साथ फ्लोर भी निकल जाता है। अब रोज के रूटीन की तरह गार्ड सब कुछ चेक करने जाता है। इस बीच मैक उस फ्लोर के नीचे कुछ लगाता है जिससे वो आसानी से साइड में खिसक सके। फिर मैक जमीन पर कैमरा और कुछ लेजर्स लगाता है, फिर उन्हें किसी डिवाइस पर पॉइंट कर देता है। अब जीन च्युइंगम खाकर ऊपर आती है। वहां लेजर्स लगी थी जो जीन को दिख नहीं रही, लेकिन उस कैमरास के जरिए मैक उन्हें देख पा रहा था। अब उनके पास सिर्फ 3 मिनट थे। जीन लेजर्स को पार कर रही थी और मैक उसे गाइड कर रहा था। धीरे धीरे जीन मास्क के काफी करीब पहुंच गई थी। उस गार्ड का भी काम लगभग खत्म होने वाला था। इधर जीन मास्क के काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन मास्क के सामने एक लेजर मैक को दिख नहीं रही थी। लेकिन जीन अपने साथ कोई पाउडर लेकर आई थी, जिसे फूकने पर उसे वो लेजर भी दिख जाती है। फिर जीन उसके ग्लास को खोलती है जिसके कोड उसके पास पहले से थे, लेकिन उसे उठाने से पहले उसे प्रेशर स्विच पर ध्यान देना है जिस पर वो मास्क रखा है। अब मास्क को उठाने से पहले जीन एक नाइफ से उस स्विच को दबाती है और धीरे से उस मास्क को उठाकर अपने पास रखती है। उनके पास 35 सेकंड बचे थे। फिर जीन उस स्विच पर च्युइंगम लगा देती है ताकि स्विच दबा रहे। अब वो जल्दी से वापस जा रही थी, तभी गार्ड भी उसी तरफ आ रहा था, लेकिन जीन उसे दिखाई नहीं देती। वापस आकर जैसे ही वो मास्क की तरफ देखता है, वहां मंकी का मास रखा था। अब तुरंत ही वहां
का सायरन बजता है। वहाँ पुलिस भी आती है, लेकिन जिन और मैक लेक के पास आ चुके थे। अब मास्क लेने के बाद मैक उसे नाव में लेने के बजाय डुबाने लगता है, क्योंकि मैक को उसकी सच्चाई पता है कि वो वेवरली इंश्योरेंस और हेक्टर के लिए काम करती है। जिन कहती है ये उसका कवर है जिससे उसे मास्क के लॉकर का कोड मिला, लेकिन मैक को उस पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है वो हेक्टर और उसके साथ खेल रही है और मास्क मलेशिया में किसी को बेचने वाली है। जिन कहती है उसके पास सच में एक और काम है। मैक को लगता है वो झूठ बोल रही है कि उसके पास 100 मिलियन डॉलर का काम है, लेकिन जिन बताती है वो 100 मिलियन डॉलर का नहीं बल्कि 1 बिलियन डॉलर का काम है। मैक फिर उसे डुबाने लगता है, लेकिन इस बार वो मैक के गले पर चाकू रख देती है। वो कहती है वो बिल्कुल सच बोल रही है और अपनी बात साबित करने वो चाकू वापस मैक को दे देती है और उसे अपने साथ कुआलालंपुर आने कहती है, क्योंकि वो मैक के बिना ये काम नहीं कर सकती। यह हमें समझ में आता है जिन बिल्कुल सच बोल रही है, वो इंश्योरेंस कंपनी में होने का नाटक कर रही थी, लेकिन असल में वो भी एक चोर है और ये सब उसने मैक के साथ काम करने के लिए किया था, क्योंकि जो काम उसे करना है वो मैक के बिना नहीं हो सकता। यहाँ मैक को भी उस पर थोड़ा यकीन होता है। अगले दिन दोनों कुआलालंपुर मलेशिया आते हैं। जिन बताती है उसकी अगली चोरी बैंक में है, लेकिन मैक बैंक में चोरी नहीं करता, लेकिन बात बिलियन डॉलर्स की थी। फिर जिन उसे एक जगह लेकर आती है जिसका उसने पहले ही इंतजाम कर लिया था। फिर वो मैक को उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग दिखाती है जहाँ इंटरनेशनल क्लियरेंस बैंक का हेडक्वार्टर है। यहाँ से बैंक साउथ एशिया के सभी बड़े ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करता है। फिर जिन उसे समझाती है न्यूयॉर्क के हेडक्वार्टर से बैंक अपने सभी ब्रांच में हैक प्रूफ फायरवॉल से सिग्नल भेजती है, तब सभी ब्रांच के सर्वर बंद होते हैं। लेकिन यहाँ कुआलालंपुर में सिर्फ एक आदमी के पास अनलिमिटेड एक्सेस है, वो कुआलालंपुर इंटरनेशनल बैंक का चेयरमैन है। बैंक का कंप्यूटर दो तरह से खुलता है, पहला एक पासवर्ड और दूसरा चेयरमैन के आंखों के अनफेकेबल रेटिना से। तभी हम देखते हैं एक आदमी चेयरमैन के आंखों में कुछ डाल देता है और जब चेयरमैन अपनी आंखें चेक करवाने जाता है वहाँ कुछ लोग कंप्यूटर से उसकी आंखों के रेटिना को कॉपी कर लेते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें चीन को पेमेंट के रूप में वो पेंटिंग और चाइनीज मास्क देना है, जिसके बदले में वो उसे चेयरमैन के आई रेटिना का गॉगल और पासवर्ड देंगे। अब न्यूयॉर्क की रात 12 बजे बैंक अपने सारे मेन जोन को शट डाउन करके इंटरग्रिटी टेस्ट करेगा। अब हर मेन जोन मतलब हर देश के सर्वर को शट डाउन करने उन्हें 30 सेकंड लगेंगे। इस दौरान उनके पास 10 सेकंड होंगे अपना काम करने के लिए। मैक पूछता है लेकिन उन्हें वो 10 सेकंड मिलेंगे कैसे। तब जिन बताती है उसने मूवी की शुरुआत में एक बिल्डिंग के ऊपर जो डिवाइस लगाया था वो न्यूयॉर्क की ब्रांच से सिग्नल को ओवरराइड करके टाइम में फ्रिक्शन पैदा करेगा। अब परसों न्यूयॉर्क की रात 11 बजे उसका डिवाइस टाइम में फ्रिक्शन पैदा करेगा जिससे उन्हें उनके 10 सेकंड मिलेंगे। लेकिन मैक पूछता है पैसे चोरी कैसे होंगे। तब जीन उसे एक सीडी दिखाती है। उसे इस सीडी को बनाने वेवरली इंश्योरेंस में 5 साल लगे। ये बैंक के कंप्यूटर को कमांड देगी और बैंक का सिस्टम सभी ट्रांजेक्शन में से छोटी छोटी अमाउंट जीन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, जो टोटल मिलाकर 8 बिलियन डॉलर होते हैं। लेकिन उसने मैक को 1 बिलियन डॉलर बताया था, लेकिन जीन कहती है 1 बिलियन डॉलर उसका शेयर होगा। लेकिन मैक यहाँ कहता है उन्हें प्रिपरेशन करने कम से कम 3 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उन्हें परसों ही चोरी करनी है। लेकिन मैक नहीं मानता। तब जीन उसकी बात समझती है और उसे 50% देने तैयार हो जाती है। तब मैक भी चोरी करने मान जाता है। अब दोनों तैयारी करते हैं। मैक टूरिस्ट बनकर बिल्डिंग में जाता है और दोनों बिल्डिंग्स के बीच में बने पुल की फोटो लेता है। ब्रिज के नीचे कल न्यूयॉर्क के लिए बल्ब लगाए जा रहे थे। अब मैक रात में उस ब्रिज को देखकर एक प्लान बनाता है। उसने प्लान बी भी बनाया था। अब रात भर काम करने के बाद वो जीन को सोते हुए देखता है, फिर उसके पास जाता है। जीन जाग रही थी, लेकिन मैक उसे चादर उड़ाकर चला जाता है। अब जीन पेंटिंग और मास्क लेकर उस आदमी के पास जाती है जिससे उसे गॉगल और पासवर्ड लेना है, लेकिन उस पर एरोन ने नजर रखी थी, मतलब वो भी यही है। वो आदमी उसे चेयरमैन के आंखों के रेटिना का गॉगल और उसका एक्सेस कार्ड दिखाता है। तब जीन उसे पेंटिंग और मास्क देती है। पेंटिंग तो वही थी, लेकिन उस बॉक्स में मास्क नहीं था, उसमें एक पत्थर था। ये देखकर वो आदमी भड़क जाता है। जिनको इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और उसे भगा देता है। वो मास्क मैक के पास था और मैक एरोन से मिलने आया था। वो उसे पेंटिंग कुछ दिनों में देने कहता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं एरोन मैक को धमका रहा था। वो उसे जिन के साथ बैंक में चोरी करने कहता है, वरना वो उसे छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ जिन बहुत दुखी थी क्योंकि उसकी 5 साल की मेहनत बेकार हो गई। शाम को मैक वापस आता है। उसके आते ही जिन उसे मारने लगती है। मैक उसे शांत करता है। फिर कुछ देर बाद वो पूछती है वो मास्क लेकर कहाँ गया था और वापस क्यों आया। मैक बताता है वो मास्क को बेचने गया था, लेकिन बेच नहीं पाया क्योंकि उसे पता है जिन इस काम को कभी नहीं छोड़ेगी। उसे जिन की फिक्र होने लगी है। यह जिन उसे किस करने लगती है, लेकिन मैक उसे रोक लेता है क्योंकि फिलहाल वो कहीं फंसा हुआ है जो वो उसे बता नहीं सकता। लेकिन इस हालत में कोई उनकी फोटो खींच
खींच रहा था। अब अगले दिन जीन उस आदमी को मास्क देकर गॉगल और एक्सेस कार्ड ले लेती है। दूसरी तरफ मैक मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से ट्रेन तक कदम गिन रहा था। वही जीन जब वापस आ रही थी कोई उसे पकड़ लेता है। वो उसे हेक्टर के पास लेकर आते हैं। मतलब हेक्टर भी यही है। हेक्टर को यहाँ देखकर जीन बहुत हैरान थी। हेक्टर को उसकी बहुत फिकर हो रही थी क्योंकि मास्क और जीन दोनों ही गायब हो गए थे। उसने हॉस्पिटल, मुर्दा घर, पता नहीं कहाँ कहाँ उसका पता लगवाया, लेकिन उसे एयरलाइन से पता चला वो यहाँ आई है। वो हेक्टर को समझाने की कोशिश करती है मैक मास्क के जरिए कोई बड़ी चोरी करने वाला है, लेकिन हेक्टर उसे कल रात की फोटो दिखाता है। जीन कहती है ये उसके काम का हिस्सा है। वो हेक्टर से वादा करती है कल वो उसे मैक और उसके सारे सबूत लाकर दे देगी। हेक्टर भी उसे जाने देता है क्योंकि उसके पास जीन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तभी वहाँ एरोन आता है। उसने ही हेक्टर को बताया था जीन यहाँ है, उसने ही वो फोटोज भी खींची थी, लेकिन हेक्टर को जीन पर भरोसा है। अब रात में दोनों न्यूयॉर्क की पार्टी के लिए उस बिल्डिंग में जा रहे थे। कार में दोनों अपनी घड़ी मिलाते हैं। अब मैक इलेक्ट्रीशियन के कपड़े पहनकर उतर जाता है। हेक्टर का एक आदमी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन मैक उसे चकमा दे देता है। बिल्डिंग में न्यूयॉर्क की शानदार पार्टी अरेंज हुई थी। कुछ देर बाद वहाँ जीन पहुँचती है। वही बिल्डिंग के सीसीटीवी रूम में कुछ ऑफिशियल्स के साथ हेक्टर आता है। उस बिल्डिंग में हर तरफ कैमराज लगे हुए है। दूसरी तरफ मैक बिल्डिंग के मेंटेनेंस रूम में सर्वेलेंस सिस्टम में एक डिवाइस के साथ बग लगाता है। फिर जीन को एक मिनट में लिफ्ट के पास आने कहता है। जीन ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट के पास उसका वेट कर रही थी। लिफ्ट में आते ही उन्हें हेक्टर और बाकी लोग सीसीटीवी रूम से देख रहे थे। बिल्डिंग के सिक्योरिटी इंचार्ज को वो दोनों डेंजरस नहीं लगते। लिफ्ट के ऊपर आते ही दोनों कुछ सेकंड्स बाद बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही मैक का लगाया हुआ बग उस लिफ्ट के सीसीटीवी को फ्रीज कर देता है, जिससे अब कैमरा देख रहे लोगों को लिफ्ट खाली नजर आती है। तब दोनों लिफ्ट में वापस आते हैं। वही हेक्टर वहाँ बैठे लोगों को 70वें फ्लोर के कैमरा दिखाने कहता है, क्योंकि दोनों 70वें फ्लोर पर लिफ्ट से निकले थे, लेकिन दोनों चेयरमैन का एक्सेस कार्ड लगाकर लिफ्ट से बैंक के फ्लोर पर जा रहे थे। दूसरी तरफ सीसीटीवी रूम में कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता। उन्हें समझ नहीं आता 70वें फ्लोर पर आने के बाद दोनों कहां गायब हो गए। हेक्टर उन्हें कहता है ये दोनों बहुत स्मार्ट चोर है। क्या उनकी बिल्डिंग में कोई आर्ट पीस रखा है? यहाँ ज्यादा आर्ट पीस नहीं थे और यहाँ एक बैंक है। उन्हें अभी तक पता नहीं था दोनों क्या चुराने आए हैं। उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी इंचार्ज कहता है उसके कहने पर इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कम से कम वो ये तो बताए वो दोनों यहाँ क्या चुराने वाले हैं। वही उनके बैंक के फ्लोर पर जाने से जस्ट पहले मैक का लगाया बग बैंक के फ्लोर के कैमरा को भी फ्रीज कर देता है। अब नीचे लोकल पुलिस भी आ गई थी। वही ऊपर बैंक के सर्वर रूम के पहले जिन जमीन पर कोई गैस छोड़ती है, जिससे वहां लगी लेजर्स दिखने लगती है। वो लेजर हर सेकंड ब्लिंक हो रही थी। अब दोनों एक एक कदम काउंट करके लेजर पार करते हैं। अब सामने डोर का लॉक था। उसकी स्क्रीन पर जिन कोई ब्रश चलाती है जिससे उस पर लगे फिंगरप्रिंट दिखने लगते हैं। अब मैक उसमें पासवर्ड डालता है जिससे उस सर्वर रूम का दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर था। अंदर आकर जीन वो गॉगल पहनकर स्कैन करती है जिससे उन्हें कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है। अब उनके पास सिर्फ 20 सेकंड थे। दोनों जल्दी से अपना लैपटॉप निकालते हैं, फिर उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करने लगते हैं। वही नीचे पुलिस और हेक्टर के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। वही ऊपर बैंक का स्टाफ सर्वर बंद करने वाला था। अब जैसे ही वो सर्वर बंद करते हैं जीन सिस्टम में वायर अटैच करने लगती है, लेकिन जिनके न्यूयॉर्क में लगाए डिवाइस से उनकी कैंसिलेशन सस्पेंड हो जाती है, जिससे उन्हें 10 सेकंड और मिल जाते हैं। वहाँ के स्टाफ को लगता है अमेरिका ब्रांच के लोगों ने सर्वर जल्दी बंद कर दिया होगा। इन 10 सेकंड में जिन सारे वायर कनेक्ट कर देती है और सिस्टम बंद होने से जस्ट पहले अपने लैपटॉप में सभी डिटेल डाल कर इंटर दबा देती है। अब जैसे ही न्यूयॉर्क के लिए काउंटडाउन स्टार्ट होता है, हर सेकंड के साथ जिनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने लगते हैं और न्यू ईयर होते ही उनके अकाउंट में $8 बिलियन जमा हो जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी चोरी कामयाब रही। लेकिन जैसे ही जिन लैपटॉप का प्लग निकालती है, बिल्डिंग में सायरन बजने लगता है। अब वो कंप्यूटर और वो रूम बंद हो रहा था। डेस्क पर रखा लैपटॉप भी अंदर जा रहा था। मैक एक पाना लगाकर उसे रोकता है, लेकिन वहां का दरवाजा भी बंद हो रहा था। मैक जिन को एक स्टूल देता है ताकि दरवाजा कुछ देर रुखा रहे और वो जल्दी से लैपटॉप में से सीडी निकालने लगता है। वही दूसरी तरफ हेक्टर और बाकी लोगों को पता चल जाता है अलार्म कहां से बजा है। सिक्योरिटी इंचार्ज बाहर वेट कर रही अपनी सभी यूनिट को बुलवाता है। इस तरफ मैक किसी तरह लॉक होने से पहले सीडी निकाल लेता है और स्टूल के टूटने से पहले दोनों बाहर आ जाते हैं। वो सीधा लिफ्ट में जाते हैं। कंट्रोल रूम में उन्हें लिफ्ट मूव होते हुए दिखाई देती है, लेकिन उसमें कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन हेक्टर उन्हें दिखाता है उन्होंने लिफ्ट के कैमरास को फ्रीज कर दिया है। मतलब दोनों लिफ्ट में ही है। वहां का सिक्योरिटी इंचार्ज लिफ्ट को बंद करवा देता है, फिर अपनी सभी यूनिट को उस तरफ भेजता है। उसे लगता है उसने दोनों को फंसा दिया है, लेकिन मैक लिफ्ट का दरवाजा खोलता है। वो दो फ्लोर के बीच रुके थे। अब दोनों निकलकर सर्विस लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। उस फ्लोर पर अभी भी काम चल रहा था, लेकिन तभी उन्हें दिखाई देता है सामने वाली बिल्डिंग से उन्हें
उन्हें किसी ने देख लिया है। वो तुरंत उनकी तरफ गैस फायर करता है। अब धुएं की वजह से दोनों को बाहर निकलना पड़ता है। दोनों सीढ़ियों की तरफ जाते हैं, लेकिन सीढ़ियों से भी सिक्योरिटी ऊपर आ रही थी। ऊपर कॉरिडोर में आने पर उन्हें हेक्टर और बाकी लोग देख रहे थे। तब मैक एक चाल चलता है। वो सबसे पहले वहां लगा कैमरा तोड़ता है। सिक्योरिटी इंचार्ज अपने आदमियों को बताता है वो दोनों 50वें फ्लोर पर है और गैस की दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन यही मैक का प्लान था। उसे पता था उन्हें लगेगा वो गैस से बचने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो एक लंबी सांस लेकर गैस वाले एरिया में ही जाते हैं और सिक्योरिटी आकर दूसरी तरफ जाती है। अब दोनों किसी तरह अपनी सांस रोक के टूटी खिड़की के पास आकर सांस लेते हैं। अब मैक उस खिड़की को तोड़ता है और दोनों बालकनी में आते हैं। उनसे कुछ ही दूरी पर वो ब्रिज था जो दोनों बिल्डिंग्स को जोड़ता है। अब दोनों तुरंत मेंटेनेंस रूम में आते हैं। मैक जीन को एक छोटा सा बैग देता है। दरअसल ये उसका प्लान बी है। अब दोनों उस बैग को अपनी कमर में बांध लेते हैं। सामने का दरवाजा खोलने पर जीन देखती है दोनों उस ब्रिज के ठीक नीचे है और लोहे की तारों पर बल्ब लगे हुए थे। अब दोनों उस तार पर चलकर दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस का चौपर आता है, लेकिन ब्रिज के नीचे होने की वजह से उन्हें देख नहीं पाता। अब दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद ही उनके नीचे की तार टूट जाती है और दोनों लटक जाते हैं। अगर वो नीचे गिरे तो उनके बचने का कोई चांस नहीं था, इसीलिए दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो ब्रैकेट निकलने लगता है जिसमें वो तार लगा है और कुछ ही सेकंड्स बाद वो भी टूट जाता है। दोनों नीचे गिर रहे थे, लेकिन उस तार का सिरा एक जगह अटक जाता है। अब दोनों ब्रिज के बीचों बीच झूल रहे थे। इस दौरान जिन के कमर में लगा बैग भी गिर जाता है। अब मैक किसी तरह ब्रिज के पिलर को पकड़ लेता है, लेकिन तार ढीला हुआ तो दोनों नीचे गिरेंगे। अब दोनों अपनी ताकत जुटाकर उस तार से ऊपर चढ़ने लगते हैं और बहुत कोशिश के बाद दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं। अब दोनों ब्रिज के एकदम बीच में थे। नीचे लोगों का सेलिब्रेशन शुरू था। अब दोनों को वेंटिलेशन शाफ्ट में जाना है। अब दोनों ब्रिज के अंदर आते हैं और जब किसी का ध्यान नहीं होता ब्रिज के ऊपर चढ़ने लगते हैं। ब्रिज के ऊपर पहुंचकर दोनों को दूसरी बिल्डिंग की तरफ जाना था, लेकिन तभी वहां चौपर आ जाता है और उन्हें सरेंडर करने कहता है। सिक्योरिटी इंचार्ज स्वाट टीम को उस तरफ भेजता है। स्वाट टीम के आते ही दोनों दूसरी बिल्डिंग की तरफ भागने लगते हैं। चौपर उससे शूट करने की परमिशन मांगता है, लेकिन उन्हें दोनों को जिंदा पकड़ना है। दोनों दूसरी बिल्डिंग में आते हैं, तभी मैक वेंटिलेशन रूम के दरवाजे बंद कर देता है। अब बाहर स्वाट टीम थी। दोनों जल्दी से वेंटिलेशन शाफ्ट के पास आते हैं। वो बहुत गहरा था। मैक अपना बैग जीन को पहना देता है। मैक बताता है ये मिनी पैराशूट है, ये कम हवा वाली जगह पर ही काम करता है। जीन उसे अपने साथ आने कहती है, लेकिन वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, दोनों पत्थरों की तरह नीचे गिरेंगे। मैक कहता है वो उसे कल सुबह 11:30 बजे पुडू स्टेशन पर मिलेगा। जीन उसे प्रॉमिस लेती है वो जरूर आएगा। मैक कहता है वो कभी लेट नहीं होता, अगर वो लेट हुआ तो समझ लेना मर चुका है। अब मैक उसे नीचे कूदने कहता है। जिनके नीचे कूदते ही कुछ सेकंड में वो पैराशूट खुल जाता है। स्वाट टीम दरवाजे को ब्लास्ट करके अंदर आ जाती है। वही नीचे कुछ देर बाद जिन वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकलती है, फिर बिल्डिंग को देखकर चली जाती है और ये सीन यही कट होता है। अब अगले दिन सुबह जिन पुडी स्टेशन पर मैक का इंतजार कर रही थी। 6:33 हो जाते हैं, लेकिन मैक नहीं आता। जिनको लगता है शायद मैक मर चुका है, वो रोने लगती है। लेकिन तभी वो देखती है उसके साइड में मैक खड़ा है। वो मैक के गले लग जाती है। जिन पूछती है सब ठीक तो है, तभी उसके पीछे एरोन आता है। यहाँ पता चलता है एरोन FBI एजेंट है। वो तुरंत ही जिन को गिरफ्तार कर लेता है और मैक कुछ नहीं कहता। एरोन मैक को 1 मिनट बात करने का समय देकर साइड में चला जाता है। वहाँ हेक्टर भी आता है। उसे बस अभी पता चला है एरोन FBI एजेंट है। जिनको लगता है मैक भी एक पुलिस ऑफिसर है, लेकिन मैक बताता है वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले एक चोरी करते समय एरोन ने उसे पकड़ लिया था। उसने मैक के साथ डील की थी कि वो जिन को पकड़वाएगा, क्योंकि बहुत समय से FBI जिन के पीछे पड़ी है, लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जिन पूछती है फिर मैक ने उसे पहले ही पकड़वाया क्यों नहीं, लेकिन मैक कहता है उसे देखना था वो ये चोरी कर सकता है या नहीं। लेकिन जिन को ये बात बकवास लगती है। जिन मैक को बहुत भला बुरा बोलती है, क्योंकि वो दोनों पार्टनर थे। लेकिन मैक कहता है अब सब खत्म हो गया है। उसने वो पेंटिंग, चाइनीज मास्क और $7 बिलियन FBI को दे दिए है। 7 बिलियन सुनकर जिन थोड़ा शॉक होती है। तब मैक उसे ट्रैक के पास लेकर जाता है। हेक्टर को उनकी इतनी देर बात करना पसंद नहीं आ रहा था। इधर मैक जिन से कहता है उसके पास प्लान सी है। तभी मैक उसके पॉकेट में कुछ रखता है। उसमें पासपोर्ट, वीजा और $1 बिलियन की सारी डिटेल्स है। वो यहाँ से जहाँ जाना चाहे जा सकती है। मैक कहता है उसने सब कुछ प्लान किया था, लेकिन उसे पता नहीं था उसे जिन से प्यार हो जाएगा। जिन उसे भी अपने साथ चलने कहती है, लेकिन मैक कहता है उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है और वो अपनी जिंदगी जी चुका है, लेकिन जिन को उसकी उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आती है। मैक कहता है उसने उसकी दूसरी जेब में गन रखी है। हेक्टर और एरोन उसे पकड़ने आते हैं। तभी जिन गन निकाल
डालकर मैक पर तान देती है, इसीलिए सब अपनी गन नीचे कर लेते हैं। अब जिन मैक को बाय बोलकर ट्रेन से चली जाती है। हेक्टर उसके पीछे भागता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। एरॉन और हेक्टर अपने आदमियों को अगले स्टेशन पर भेजते हैं। हेक्टर समझ जाता है ये सब मैक ने जानबूझकर किया है। वो एरॉन और मैक को धमकी देकर चला जाता है। अब एरॉन और मैक आपस में बात करते हैं। यहाँ पता चलता है मैक ने एरॉन को बहुत कुछ कमा कर दिया है और अब वो उसे वो चिप देता है जो उसने लंदन में चुराई थी। एक चिप की कीमत $5 मिलियन है और वो 4 चिप है। अब इतने पैसे देने के बाद डील के मुताबिक एरॉन जिन का पीछा भी छोड़ देता है और अपने आदमियों को अगले स्टेशन से वापस बुलाकर चला जाता है। अब मैक काफी देर तक वही बैठा रहता है, तभी वो देखता है उसके सामने वाले प्लेटफॉर्म पर जिन खड़ी है। मैक उसे देखकर काफी हैरान था। वो बताती है अगले स्टेशन से पहले ट्रेन स्लो हुई, तब वो ट्रेन से नीचे कूद गई। जिन कहती है अब उसे अकेले काम नहीं करना, उसके पास एक और बहुत बड़ा काम है डायमंड्स का। तभी उनके बीच ट्रेन आती है लेकिन अब वहाँ मैक नहीं था। जिन उसे आवाज देती है, उसे लगता है मैक चला गया लेकिन मैक उसके पीछे खड़ा था, वो सीढ़ियों से वहाँ आया था। अब उनके पास $1 बिलियन है, उन्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं। फिर दोनों के मिलने के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।